ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 370 हटा नहीं सकती क्योंकि वो प्रदेश की पार्टी है, परंतु मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि वो स्पष्ट करें कि 370 के बारे में कांग्रेस की राय क्या है। राहुल गांधी इस बात को स्पष्ट करें और कश्मीर में बैर रखने से पहले राहुल गांधी को ये स्पष्टीकरण देना हो। अब 4-5 दिन पीछे कर दो, हम तो तैयार है, हम तो कल करा दो, मेरी पार्टी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के शास्त्री कॉलोनी स्थित अपने बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का कार्यकर्ताओं के साथ लाइव प्रसारण सुना। तो वहीं इससे पहले शास्त्री कॉलोनी बूथ पर पहुंचने पर पूर्व मंत्री अनिल विज का स्थानीय कार्यकर्ताओं की ओर से पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं और जिस रथ पर चढ़कर वह इसे बनाना चाहते हैं उस रथ के पहिए हम हैं और हमारी संख्या 140 करोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से हमारे तन मन धन को ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि अंतरिक्ष में किस प्रकार हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, विशेष तौर पर किसान व जवानों के लिए भारतीय सैटेलाइट काम कर रहे हैं। पहले हम विदेशी सैटेलाइट पर निर्भर रहते थे मगर अब स्वदेशी सैटेलाइट तैयार हो रहे हैं और हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री आए हैं नरेंद्र मोदी जी, जो लोगों के तन मन धन को ठीक रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को 2047 तक विकसित बनाना चाहते हैं और वो जिस रथ पर चढ़कर इसको बनाना चाहते हैं उसके पहिए हम हैं और हमारी गिनती 140 करोड़ है, इसलिए वो एक एक पहिए को दुरुस्त करना चाहते हैं। अपने इस मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने आज बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि स्पेस में किस प्रकार से हमारे इंडियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, विशेष रूप से किसान और जवानों के लिए जो इंडियन सैटेलाइट काम कर रहा है। पहले हमें विदेशी सैटेलाइट पर निर्भर करना पड़ता था, उस पर कितना हम निर्भर कर सकते थे वो डिपेंड करता था, अब हमारे स्वदेशी सैटेलाइट भी तैयार हो रहे हैं, उसका हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और हम उससे अधिक मजबूत होंगे। और भी अन्य विषयों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और लोगों को उन्होंने आह्वान किया है कि हम अपने देश को मजबूत करें। तो वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा अनुच्छेद 370 को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 नहीं हटा सकती है क्योंकि वह एक प्रदेश की पार्टी है, मगर वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि वह स्पष्ट करें कि 370 के बारे में कांग्रेस की क्या राय है। क्या कांग्रेस 370 को लगाना चाहते हैं या फिर 370 को हटा दिया जाए जिससे प्रदेश में 70% शांति आ गई है, जो रोज वहां पर कत्लेआम होता था वह खत्म हो गया है, उसे दोबारा लगाना चाहिए। राहुल गांधी कश्मीर में पैर रखने से पहले इस बात पर अपनी स्पष्टीकरण दे। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 370 हटा नहीं सकती क्योंकि वो प्रदेश की पार्टी है, परंतु मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि वो स्पष्ट करें कि 370 के बारे में कांग्रेस की राय क्या है। क्या वो 370 को हटाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, या 370 जो हटा दी गई है जिसे प्रदेश में 70% शांति आ गई, जो रोज वहां पर कत्लेआम होता था वो खत्म हो गया, या उसको दोबारा लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी इस बात को स्पष्ट करे और कश्मीर में पैर रखने से पहले राहुल गांधी को ये स्पष्टीकरण देना हो।
इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि एक बहुत अच्छा निर्णय है, केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकार भी इसे अडॉप्ट करें। नहीं, ये देखिए बहुत अच्छा कल कैबिनेट का निर्णय हुआ है सरकारी कर्मचारियों को, केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को, और उन्होंने कहा है कि जो राज्य सरकारें हैं वो भी इसको अडॉप्ट कर लेती हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो वहीं भाजपा नेता व बॉक्सर विजेंद्र द्वारा विनेश फोगाट को टिकट देने की बात पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कौन पार्टी किसको टिकट देती है ये उनका विषय है, हमारी पार्टी किसे टिकट देती है ये हमारा विषय है, हम अपने अच्छे से अच्छे लोगों को टिकट देंगे और इसके लिए 2 दिवसीय मैराथन मीटिंग भी हुई है, मीटिंग में हमने पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को रेफर कर दिया है। उनका विषय है, हम किसको टिकट देते हैं ये हमारा विषय है, हम भी अपने अच्छे से अच्छे लोगों को टिकट देंगे। 2 दिन मैराथन हुई है हमारी मीटिंग और हमने अपनी मीटिंग का पैनल्स बनाकर और हमने केंद्रीय चुनाव समिति को रेफर कर दिया है, तो ये पार्टी कौन किसको देती है वो उनका विषय है। भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने के सवाल पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा है कि चुनाव की तारीख जो घोषित की गई है इसमें एक छुट्टी लेने पर 5 छुट्टियां हो जाती है, इससे ऐसा डर रहता है कि लोग बाहर चले जाते हैं और इससे मत प्रतिशत गिर जाता है। इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है, मगर हम केवल चुनाव तारीख आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव आयोग बेशक इसे 2 से 3 दिन पहले भी चुनाव करवा दे, हम तो तैयार हैं, चुनाव चाहे कल करवा दो, हमारी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए ऐसा है कि ये जो डेट घोषित की गई है इसमें अगर एक छुट्टी ले लो तो 5 छुट्टियां हो जाती, इससे ऐसा डर बना रहता है कि लोग बाहर चले जाते हैं और मत प्रतिशत की जो संख्या है वो गिर जाती है। इस पर कांग्रेस ने आज प्रतिक्रिया दी है, परंतु हम केवल आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, अब पीछे कर दो, अब 2-3 दिन पीछे कर दो ताकि ये 5 दिन का चंक ना बने, 5 दिन की छुट्टियां ना लेके जा सके, अब 4-5 दिन पीछे कर दो, हम तो तैयार है, हम तो कल करा दो, मेरी पार्टी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। मैंने जवाब दे दिया ना कि हम आगे करने के लिए नहीं कह रहे, हम तो कह रहे पीछे कर दो छुट्टियों से। इसके साथ ही महिला अत्याचार पर एनसीपी नेता अजीत पवार के बयान पर भी पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है, द्वापर युग में महाभारत में चीरहरण हुआ था, त्रेता युग में सीताहरण हुआ था और लंका दहन हुआ था, ये हमारी महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता है, महिला अत्याचार के लिए कोई कानून बनाना पड़े बनाना चाहिए, मगर उसके साथ साथ समाज शास्त्रियों राजनेताओं और धार्मिक नेताओं से वो कहना चाहते हैं कि समाज को भी बुराइयां मिटाने के लिए जागरूक करो, समाज भी तो ठीक हो और हर जगह डंडे से काम नहीं होता है, लेकिन समाज को सुधारने की ओर कोई बात नहीं कर रहा। देखिए महिलाओं की इज्जत के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है, द्वापर युग में चीरहरण हुआ था तो महाभारत और त्रेता युग में सीताहरण हुआ था तो लंका दहन हुआ था, ये है हमारी औरतों के प्रति प्रतिबद्धता और ये अत्याचार रुकने चाहिए, इसके लिए कोई कानून बनाना पड़े बनाना चाहिए, लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा समाज शास्त्रियों से राजनेताओं से धार्मिक नेताओं से कि समाज को भी तो जागरूक करो, समाज से ये बुराइयां उखाड़ने के लिए भी तो जागरूक करो, समाज भी तो ठीक हो, हर जगह पर डंडे से ही काम नहीं होता है, सरकार बनाए कानून अच्छी बात है, फास्ट ट्रैक कोर्टों में जाए कानून ये केस अच्छी बात है, जो करे उसको टांग दो अच्छी बात है, लेकिन समाज को सुधारने की तरफ कोई बात नहीं कर रहा सारे देश।
जब तक हम सुधरेंगे नहीं, खाली फांसी की रस्सी को ही देखते रहेंगे, तो ये ठीक नहीं होगा। कत्ल की फांसी सजा बहुत समय से है, लेकिन फिर भी कत्ल। इसलिए समाज को सुधारने के लिए ये जो लोग बैठे हुए हैं, बड़ा बड़ा उनका प्रभाव है, बड़ी बड़ी संख्या है, उनको एक मत होकर लोगों के बीच में जाना चाहिए कि समाज को सचेत करें, समाज को जागरूक करें कि समाज बुराइयों को छोड़े, अच्छा समाज। अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।